से 14 घंटे तक पूछताछ की। आज भी संदीप घोष से सीबीआई की टीम सवाल जवाब कर सकती है। पिछले 6 दिन में संदीप घोष से अब तक 78 घंटे पहले ही पूछताछ हो चुकी है, तो 6 दिन हो गए हैं। आज 7वां दिन है जब आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल इस हॉस्पिटल के संदीप घोष, उनसे पूछताछ चल रही है। आज 7वां दिन होगा। कल भी आपको बता दें लंबी पूछताछ चली थी और 6 दिन पहले ही पूछताछ हो चुकी है। कल 14 घंटे तक लगातार सवाल जवाब किए गए थे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप और मर्डर केस की सुनवाई होगी। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। साथ ही साथ घटना के बाद अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस से भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को नेशनल टास्क फोर्स भी बनाने के डायरेक्शंस दिए थे। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर 3 हफ्ते के अंदर अंदर अंतिम रिपोर्ट और फिर 2 महीने में अंतिम रिपोर्ट देने के लिए कहा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में देश भर के डॉक्टर्स से काम पर लौटने की भी अपील की थी। हालांकि डॉक्टर्स की हड़ताल अभी भी चल रही है, डॉक्टर अभी भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील की थी डॉक्टर्स से कि आप काम पर लौटें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको डॉक्टर्स की जरूरत है, वो ना सफर हो, काम ना सफर हो, लेकिन अभी भी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को कंपाइल डाटा फाइल करने के भी डायरेक्शंस दिए। इसमें पूछा गया कि हर हॉस्पिटल में कितने सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, साथ ही हॉस्पिटल्स में कितने टॉयलेट हैं, क्या अस्पतालों में हर जगह आम जनता आ जा सकती है, क्या अस्पतालों में एंट्री गेट पर जांच के पुख्ता इंतजाम हैं, और फिर यह भी कि क्या हॉस्पिटल्स में सभी इलाकों में सीसीटीवी लगे हैं, क्या हॉस्पिटल के बाहर पुलिस पोस्ट बनी हुई है, अस्पतालों में पौष नियमों का सख्ती से पालन होता है क्या। तो ये केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है सुप्रीम कोर्ट ने। और ये तमाम चीजें, क्या हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं, क्या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या नहीं, टॉयलेट्स हैं या फिर नहीं, और क्या कोई भी आ जा सकता है हॉस्पिटल के अंदर, एंट्री जो पॉइंट है वहां पर किस तरह से, क्या मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, क्या सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, क्या पौष नियमों का सख्ती से पालन होता है, ये सब कुछ ये इसको लेकर रिपोर्ट तलब की थी केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने। और इस बीच सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में आज किन किन सवालों के जवाब हो सकते हैं ये भी जरा आपको दिखा दें। तो सूत्रों के मुताबिक जो जवाब होंगे उनमें क्या संजय रॉय इकलौता आरोपी था, कितने लोगों के बयान दर्ज हुए, संजय रॉय ने पूछताछ में क्या कुछ बताया क्योंकि लगातार उससे भी पूछताछ चल रही थी, फोरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ निकला, फिर संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं जांच में उनका क्या रोल है, संदीप घोष की गाड़ी में क्या सुराग मिला, वारदात रेप है, हत्या है या फिर कोई साजिश है, क्या आरोपी को बचाने की साजिश हुई है, फिर यह भी कि क्या बंगाल पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती, पीड़िता की डायरी से कोई सुराग मिला, क्योंकि सीबीआई हर तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, हॉस्पिटल में जहां ये घटना हुई वहां तोड़फोड़ क्यों की गई रेनोवेशन के नाम पर, और जो माता पिता हैं पीड़ित डॉक्टर के उनसे भी पूछताछ की है सीबीआई ने, और लगातार संजय रॉय और संदीप घोष से तो पूछताछ चली रही है। तो ये जो रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट जो बनी है जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब की थी उसमें क्या क्या जवाब हो सकते हैं ये हमने आपको बताया कि ये सब कुछ उसमें हो सकता है। हालांकि इस सबके बीच डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, हड़ताल खत्म करने पर डॉक्टर ने फिलहाल किसी तरह का कोई फैसला नहीं लिया है, और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर डॉक्टर्स की नजर है। डॉक्टर्स ये चाहते हैं कि नेशनल टास्क फोर्स में आईएमए और आरडीए के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो भी शामिल हो, साथ ही साथ केंद्र सरकार सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को भी लेकर आए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो अहम सुनवाई होनी है उस पर देश भर के डॉक्टर्स की कड़ी नजर है। डॉक्टर्स लगातार सुप्रीम कोर्ट ने अपील की थी डॉक्टर से कि आप अपनी हड़ताल वापस ले लें, काम पर लौटें, क्योंकि ऐसे में मरीज जो हैं वो सफर करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुहृता पॉल को आर्तिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल पद से भी हटा दिया। अब मानस कुमार बंदोपाध्याय को हॉस्पिटल का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल पद पर संदीप घोष की नियुक्ति भी रद्द कर दी और आर्तिकर हॉस्पिटल के अधीक्षक बुलबुल मुखोपाध्याय और एचओडी चेस्ट मेडिसिन विभाग अरुणव दत्ता चौधरी को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो सुहृता पॉल की जगह मानस कुमार बंदोपाध्याय नए प्रिंसिपल बनाए गए हैं। अस्पताल के अधीक्षक और जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उन्हें भी उनके पद से हटा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश विद इमीडिएट इफेक्ट जारी कर दिया।
इस बीच आरजी कर हॉस्पिटल के पूर्व डिप्टी सुपरिंटेंडेंट अख्तर अली ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर बड़ा आरोप लगा दिया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में अख्तर अली ने संदीप घोष पर निजी हॉस्पिटल्स को शव बेचने और पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए हैं। सुनिए जरा। अख्तर अली साहब, न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए आपका स्वागत है। आप किस पद पे थे, कितने लंबे वक्त तक आपने इस कॉलेज में सेवाएं दी? मैं वहाँ 16 साल तक था। मैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 2 था, फिर प्रमोशन होकर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 1, फिर प्रमोशन होकर डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पे आया। क्या गड़बड़ियाँ यहाँ पर चल रही थी, किन चीज़ों पे पर्दा डाला गया था या पर्दा पड़ा हुआ था जिसको नहीं खोलने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, मैं बहुत सारा स्कैम जो है एक्सपोज किया था मैंने खुद, और मैंने मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व किया था। तो एक पहला जो सबसे पहले मैंने पकड़ा था वो स्टूडेंट लोग को फेल करवाते थे, फेल करा करके उनसे पैसे अच्छे खासे रकम वसूलते थे, और जो उनके बात नहीं सुनते थे, कुछ उसमें स्टूडेंट थे जो ये पैसा को कलेक्ट करते थे, फिर उन्हीं जूनियर स्टूडेंट को वो शराब पिलाते थे, उनको पैसे का लालच लत लगाते थे और उनसे आंदोलन भी करवाते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये आंदोलन भी काफ़ी होता था वहाँ। अगर जब उनका ट्रांसफ़र हुआ तो ये स्टूडेंट लोग को दे के उन्होंने आंदोलन करा दिया, फिर दोबारा वो प्रिंसिपल के पोस्ट पे आ गए। इसके अलावा बहुत सारा बेआईनी काम, जैसे बॉडी का लेके, जैसे डेड बॉडी का लेके तस्करी करना, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने बताया था, इसको भी मैंने एक्सपोज किया था। ये एवरी अल्टरनेट डे 500 से 600 kg इतने माल निकलते थे, ये माल बिक्री होते थे, ये माल रिसाइकिल होते थे दो ब्रोकर के थ्रू, पांचू और रवि, जिसका नाम मैंने एक्सपोज किया था, वो बांग्लादेशी सिटीजन थे। और जितने टेंडर होते थे, टेंडर में 20% वो ओपन कमीशन खाते थे, और उनके दो खास लोग थे, घुमा फिरा के वही सप्लाई करते थे। उनकी 12 कंपनियाँ थी, एक टॉवल से लेकर के, एक टूथब्रश से लेकर के, एक इक्विपमेंट से लेकर के, एक कागज़ लेके, एक सर्टिफिकेट प्रिंटिंग, आप जो भी कुछ बोलिए इनके थ्रू होता था। तो ऐसे काफ़ी 16-17 आरोप जो मैंने एंटी करप्शन और विजिलेंस कमीशन को दिए थे, अगर ठीक वक्त पे काम होता तो ये अभी जेल में होते, मगर अब नहीं हुआ तो ये मेरी, अब मैं क्या। अख्तर साहब, आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, इसके क्या एविडेंस है आपके पास, आपने क्या चीज़ देखी थी जो आप एक। मैं बता रहा हूँ, ह्यूमन ऑर्गन नहीं, मैंने डेड बॉडी बोला। डेड बॉडी, डेड बॉडी में ये ऑफिशियल कंप्लेन उनके अगेंस्ट में गया था, और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इंक्वायरी भी किया, और उनके जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने इनको समन भी किया था। इस केस को फिर हाई कोर्ट में PIL के तौर पे केस फाइल किया गया, और फिर वहाँ पे FIR ताला PS में इसके अगेंस्ट में FIR भी हुआ था। सवाल ये पूछना चाहेंगे, आपने काफ़ी लंबा वक्त दिया है, हाँ, ये जो सेमिनार हॉल है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे। और देखिए, ये सवाल सब जगह उठ रहा है कि एक लड़की के साथ वहाँ पे रेप होता है, उसके मर्डर होता है, उसको मल्टीपल इंजरी आई है, तो क्या किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी? किस तरह का ये सेमिनार हॉल है, आप यहाँ पे गए होंगे पहले कई बार? जी, ये सेमिनार हॉल से आवाज़ आना थोड़ा मुश्किल इसलिए है कि ये थोड़ा भीतर में है, और चूंकि सेमिनार हॉल है, एयर कंडीशन है, अकॉस्टिक सिस्टम है, तो उसमें क्या है कि आपको पता होगा कि साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है अकॉस्टिक सिस्टम, जैसे ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल वगैरह जैसे होते हैं। तो ये, मगर सेमिनार हॉल के पहले काफ़ी सारा लेवल है, तो किसी आदमी का वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचना थोड़ा मुश्किल है, मैं बोलूँगा मुश्किल है रात के वक्त में। और वो जो बिल्डिंग है वो बहुत सिक्योर बिल्डिंग है, वहाँ नीचे में पुलिस कंट्रोल है, पुलिस फाड़ी है, CCTV कैमराज है, उसके कंट्रोल है, और सिक्योरिटी की भी वहाँ कमी है, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी मकदार में वहाँ सिक्योरिटी पर्सनल है। तो ये सचमुच अनफॉर्चुनेट है कि ये वो जल्दी थी क्यों, ऐसा आपने देखा रिनोवेशन की जल्दी थी, कोई ऐसा दिक्कत आ रही थी? कोई जल्दी नहीं थी, ये तो हॉस्पिटल अथॉरिटी के तरफ ही उंगलियां उठ रही है और इस पे छानबीन होनी चाहिए। सर, दो आखिरी सवाल, संजय रॉय को कभी आपने हॉस्पिटल में आते जाते देखा है या संदीप घोष? मैंने जब उसका वीडियो देखा और जब मैंने TV में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने बुधवार को आरजीकर हॉस्पिटल की पीड़िता के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल